हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज मैं यू सीजन 3 की बात कर रहा था, लेकिन यू से पहले जो गू हुआ है उसके बारे में बात करना जरूरी है। और सीरियसली, आफ्टर वॉचिंग सत्यमेव जयते 2 मूवी ट्रेलर, एक ही चीज बोलूंगा कि भाई क्रिंज की भी एक हद होती है। मालूम है यूट्यूब शॉर्ट्स पर बहुत ही अलग लेवल का क्रिंज चल रहा है, और दूसरे और भी ऐप है, मौज है, स्नैक्स है, सब जगह पे क्रिंज की हद पार हो गई। लेकिन अब बॉलीवुड वाले भी, स्पेशली जो बड़े एक्टर्स है जैसे जॉन अब्राहम, जिनकी मूवीज अब ऑडियंस देखने लगी, उनको पसंद करने लगी, तो उन जैसे लोग भी ऐसी मूवीज बनाएंगे वो एक्सपेक्टेशन नहीं था। और जब ऐसी मूवी बॉलीवुड की तरफ से बनती है और उसमें बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना दीदी जब बोलती है कि हॉलीवुड वाले हमारी स्क्रीन्स को छीन रहे हैं, उनकी मूवीज ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी मूवीज हमारी मूवीज को ओवरटेक कर रही है, तो भाई एक ही चीज बोलूंगा मैं कंगना दीदी को, अगर सत्यमेव जयते 2 और थलाइवी जैसी मूवीज बॉलीवुड में बनती रहेंगी, वो दिन दूर नहीं है जब बॉलीवुड की कोई भी मूवी ऑडियंस देखना पसंद नहीं करेगी। और सीरियसली यार, आप 80s और 90s के एरा में नहीं हो जो इस तरह की मूवीज ऐसे ऐसे डायलॉग के, माँ की कोक से और बाप की तोप से, अरे ये सारे डायलॉग्स नहीं समझ में आते हैं मेरा भाई। लेकिन हाँ, डायरेक्टर बोलता है कि ये मास ऑडियंस के लिए मूवी बनाई गई, और मैं डायरेक्टर की ये बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ बैंड्रा में और मैं मैक्सिमम मूवीज देखता हूँ गेटी थिएटर में, और गेटी थिएटर की एक जो ऑडियंस है वो एक अलग ही लेवल की ऑडियंस है, उनको इस तरह की मूवीज पसंद आती है। और मैंने सत्यमेव जयते थिएटर में देखी है, गेटी में ही देखी, और मैंने वहां पर महसूस किया कि ऐसे डायलॉग्स पर सीटी ताली बजती है, और इसी वजह से ये जो डायलॉग जितने भी है, जो आपको क्रिंजी लग रहे, जो मुझे क्रिंजी लग रही है, ये वाकई में ऑडियंस को बहुत अच्छा लगने वाले। और इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया डायलॉग्स के बारे में बोलूँ कि, हालांकि मुझे नहीं अच्छे लगे, लेकिन जिनको अच्छे लगते हैं उनको पता है, और वो लोग इसके लिए फाड़ के रख देंगे स्क्रीन, और वो लोग ही इस पर्टिकुलर मूवी को देखने भी जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो ऑडियंस है, जो मैक्सिमम मूवीज देखती है जैसे कि मेरी तरह, उनको पता चल गया कि जो देशभक्ति की जो चूतिया पहाड़ है, ये सिर्फ अब फिल्मों तक ही सीमित रह गया, और रियलिटी में जब वाकई में लोगों को, गरीब लोगों को जरूरत होती है, तो ये जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी देशभक्ति की मूवीज बनाते हैं, ये पहला रास्ता अपना नाप लेते हैं। जैसे कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि भाई दो ऐसे स्टार्स जो सिर्फ देशभक्ति की मूवीज बनाते हैं, बट उसके अलावा इसके अंदर देशभक्ति का तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देशवासियों के लिए ये कुछ करते नहीं है, सिर्फ मूवी में आकर भोंकते हैं, मूवी में आकर चूतियागिरी करते हैं और निकल के चले जाते हैं, और बस उसी का एग्जाम्पल है उनकी ये देशभक्ति की मूवीज। और अगर इस पर्टिकुलर मूवी की बात करूँ तो इसमें कहानी में भी कुछ यूनिकपन नहीं लग रहा, और हद तो तब हो जाती है कि जॉन अब्राहम कि तीन रोल देखने को मिलते हैं। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे चार है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पॉलिटिशियन है और विलन, वो दोनों एक ही कैरेक्टर है, और एक है पुलिस वाला और एक है इन दोनों का फादर, वो भी जॉन अब्राहम है, जो कि फार्मर का रोल प्ले कर रहे हैं। और फार्मर का रोल इन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, और इतनी जोर से वो चिल्ला रहे, मतलब कि अगर आप चालू कर दो और आप बाजू में घर में चलो तो आपको ऐसा लगे कोई कुत्ता भौंक रहा है। ये मजाक की बात है नहीं, मूवी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सीरियसली हम एज एन ऑडियंस, जब हम लोग अपना पैसा दे रहे हैं, मेहनत का पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी मूवी दिखाओ जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमको भी ऐसा लगे कि हाँ यार इसने कुछ किया। लेकिन अगर हमको साफ साफ समझ में आए कि देशभक्ति के नाम पे कतई चूतिया बनाया जा रहा है, तो भाई हम लोग वो सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस ट्रेलर में एक ही चीज अच्छी लगी, वो है नोरा फतेही। वो भी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जो थर की लौंड है, उनकी दिलों की आन बान शान है नूरा फतेही। तो अब देखते हैं कि नूरा फतेही इस पर्टिकुलर मूवी को कितना बचा लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये मूवी बस फर्स्ट और सेकेंड डे चलेगी, बाकी तो भाई मेरे हिसाब से तो इसका ट्रेलर मुझे तो अच्छा नहीं लगा, पर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। खैर अब हम लोग बात करेंगे अंतिम द फाइनल ट्रूथ की। देखो यार, अब मैं सच बता दूं कि इस पर्टिकुलर मूवी के लिए तो भाई मैं घंटा भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि ये एक मराठी मूवी, मुंशी पैटर्न का ऑफिशियली एक रीमेक है, और वो पर्टिकुलर मराठी मूवी मैंने देखी है और आउटस्टैंडिंग मूवी है। बट अगर इस पर्टिकुलर मूवी के ट्रेलर की बात करूँ तो यार, ये वाकई में मुझे शॉक करके रख दिया। सबसे पहली बात तो ये कि आयुष शर्मा, जिसको मैं एक्टर नहीं मानता हूँ, लेकिन इस बार जो उनका परफॉर्मेंस ट्रेलर में लग रहा है, भाई सोचो जब वो ये मूवी रिलीज होगी तो क्या बवाल मचने वाला है। उसके ऊपर सलमान खान, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर है, और मैं सलमान खान सर को एक ही चीज़ बोलूंगा कि भाई राधे पिक्चर से अच्छा अगर आप लोग अंतिम द फाइनल ट्रूथ, जो कि इतनी अच्छी बन के निकली, तो इसको रिलीज करते तो कम से कम इज्जत तो रह जाती भाई हम फैंस की, फालतू में बेइज्जती करा दी है यार। और दूसरी बात ये बोलूंगा कि भाई नवंबर 26 में क्या आना है, जब ऐसी मूवी बनी है जिसका ट्रेलर इतना दमदार हो तो उसको दिवाली पर रिलीज करना चाहिए था, 100 करोड़ का ज्यादा फायदा होता, यकीन मानो। सूर्यवंशी ऐसी बासी पिक्चर किसको देखना है, हमको अंतिम द फाइनल ट्रूथ देखना था, लेकिन वो पिक्चर आ रही है 26 नवंबर को, जिसके लिए भी बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन भाई ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रेलर में सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं थी उससे कहीं ज्यादा
हमको ट्रेलर दे रहा है। उसके अलावा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कि रवि बासरूर का है, जिसको नहीं पता भाई वही KGF फेम वाले रवि बासरूर जिन्होंने तहलका मचा दिया KGF मूवी के बाद। सब मूवी मेकर उनको बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ले रहे, और इस पर्टिकुलर मूवी में जिस तरह से उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है भाई गूस बॉम्स आता है। अंतिम द फाइनल टूथ मूवी के लिए तो एक ही चीज बोलूंगा कि भाई सलमान खान को जिस अंदाज में हम लोग देखना पसंद करते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में सलमान खान नजर आने वाले। लेकिन इस बार जो शॉक करेंगे वो है आयुष शर्मा। आप देखते हैं कि आयुष शर्मा की इस पर्टिकुलर मूवी के बाद किस्मत किस तरह से बदलती है। फिलहाल तो होप फॉर द बेस्ट, और जो गुस्सा राधे मूवी को देख कर आया था अब देखते कि वो गुस्सा खत्म होता है कि नहीं ऑडियंस का, और वो जो हेटर्स है उनकी किस तरह से बचती है वो तो हम लोग अंतिम द ट्रूथ पिक्चर के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। और एक और चीज जिसने मुझे शॉक किया वो है महेश मांजरेकर का डायरेक्शन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई उनका डायरेक्शन इस लेवल का होगा आज की तारीख में, यानी कि 2021 में भी महेश मांजरेकर इस तरह की मूवी डायरेक्ट कर सकते हैं। वो सीरियसली बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। ओवरऑल मैं इतना कह सकता हूँ ट्रेलर देखकर ज्यादा बकचोदी नहीं करते कि भाई वाकई में ये ट्रूली एक शॉकिंग था मेरे लिए। अब आप लोगों के लिए कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग एक ट्रू मूवी लवर हो तो मुझे जरूर बताना कि आप लोग को इसका ट्रेलर कैसे लगा, और भाईजान की जो मूवी आ रही तो आप भाईजान की पर्टिकुलर मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और आयुष शर्मा का परफॉर्मेंस ट्रेलर में देखकर आपको कितना ज्यादा शॉकिंग लगा वो भी मुझे जरूर बताना, और आप लोग अंतिम द फाइनल ट्रू मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी मुझे बता सकते हो, और रवि बासरूर का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ यू सीजन 3 का रिव्यू जरूर करेंगे। टिल देन बाय।